हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिताशी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इलस्ट्रेटर के मजीद टूल्स डिस्कवर करने वाले हैं, और आज हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 6। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। को कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरा टैप टूल कवर कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पेंट ब्रश और ब्लॉक ब्रश कवर करेंगे, और भी आगे के टूल्स हम देख लेंगे कौन से हमने कवर करने। सबसे पहले हम लेते हैं पेंट ब्रश। पेंट ब्रश से जैसे हम ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से पेंसिल वर्क कर रही थी उसी तरह से ये वर्क करता है। अगर आपने इसका डिफरेंट तरीके का ब्रश सेलेक्ट करना है पेंट ब्रश का, तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर और डिफरेंट इसमें जाके कोई भी आप ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे जाके भी मैं दिखाता हूँ जरा आपको। देखें, ये वाले इस तरह के ब्रशेस इसमें बड़े बनाए दिए हुए हैं, ठीक है। आपने कोई भी सिलेक्ट किया और आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे बने हुए हैं, आपने सबको एक ही करके ट्राई करना है। और अगर आपने देखें कोई भी सिलेक्ट किया और स्ट्रोक का कलर जो होगा, अभी देखें ऑरेंज ड्रॉ हो रहा है, अगर यहाँ से मैं जाकर इसको पर्पल कर देता हूँ और कोई भी चीज़ ड्रॉ करूंगा तो वो पर्पल के अंदर हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी डिफरेंट कलर सेलेक्ट करें यहाँ से स्ट्रोक का, और यहाँ से कोई भी आपने इसका स्ट्रोक का ब्रश सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर जितना भी आप पेंट ब्रश से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रोक के अंदर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी चीज़ें ड्रॉ हुई हैं इसको हमें एडिटेबल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करना पड़ेगा। जबकि इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर जो नीचे इसके टूल है ब्लॉक ब्रश, ब्लॉक ब्रश किस तरह से काम करता है अभी देखें। इसका साइज इतना बड़ा आ रहा है, अगर इसको मुझे छोटा या बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, पी के बराबर जो ब्रैकेट्स है उसे हम जो लेफ्ट वाला है उससे छोटा साइज कर सकते हैं, और राइट साइड वाले से हम इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे कुछ भी अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये हमें आउटलाइन के अंदर ही कन्वर्ट करके देगा, और इसको हम एक्सपेंड करना लाजमी नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन इसका जो नुकसान ये है कि हम यहाँ से कोई भी अपना ब्रश सेलेक्ट करके नहीं बना सकते कुछ भी, या बस इसी तरह से ड्रॉ करता है, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से अगर मिला दें ब्रश से, तो ये आपस में ज्वाइन हो चुका होगा, ठीक है, शेप जो है वो मर्ज हो गई आपस के अंदर। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा पेंट ब्रश और ब्लॉक ब्रश टूल। उसके बाद हम ये सारे टूल हो गए थे हमारे पास। यहाँ पर है स्केल, शेयर, रीशेप, इसको देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। हमने कोई भी शेप ड्रॉ की, ठीक है। अब हम इसको जैसे बड़ा करने के लिए ई प्रेस करके ट्रांसफॉर्म पैनल लाते हैं। ये यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास अगर बाउंड्री बॉक्स ओपन होगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास स्केल टूल है। स्केल टूल में ट्रांसफॉर्म पैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली इस तरह से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर शेयर टूल। शेयर टूल क्या करता है, इस तरह से अगर आपने इसको शेयर करना है शेप को तो शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है, इसमें कैसे होता है, देखें ये ऑप्शन ऑन है, जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर लेकर जाते हैं तो इस तरह से शेयर का ऑप्शन इसमें भी आता है, ठीक है। और थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर रीशेप टूल। रीशेप टूल किस तरह से वर्क करता है, अच्छा देखें, अभी मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपली यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो रहा है और लेकिन शेप इधर उधर मूव हो रही है, ठीक है। रीशेप किस तरह से काम करता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास एक लाइन लगी हुई हो, ठीक है, लाइन लगा दी मैंने, उसके बाद हमने रीशेप टूल लिया और यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं। देखें लाइन पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन वो शेप के ऊपर क्यों वर्क नहीं कर रहा, वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पहले तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ से लूंगा रीशेप टूल। रीशेप टूल लेने के बाद जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, अब ये रीशेप करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग किया, यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग किया, यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग किया, तो इस तरह से ये रीशेप करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये किसी काम का टूल नहीं है, लेकिन था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इन सबको भी सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूं। अच्छा, पहले हम सारे टूल्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें हम वो कवर करेंगे, फिर हम मजीद चीज़ें बनाना सीखेंगे। मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आपको जो है पहले ये टूल्स कवर करवा दूँ, उसके बाद फिर हम चीज़ें बनाने पर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ शायद मैंने आपको बताई थी, ये नहीं बताई थी कि हमने कोई भी शेप अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से एक शेप ड्रॉ की, यहाँ पर एक लेयर बन गई, दूसरी कॉपी ली इसकी तो दूसरी लेयर बन गई। इसी तरह से मैं अगर तीन चार कॉपीज इसकी ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और तीनों चारों का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ऑरेंज कर दिया, इसका रेड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, और इसका हमने कोई भी ये कलर कर दिया। तो अच्छा, यहाँ पर हम राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा अरेंज, और अरेंज के अंदर ये चार ऑप्शन हैं। ये किस लिए काम आते हैं, देखें अभी हमारे पास जो है ग्रीन सबसे ऊपर है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये जो ग्रीन है वो सबसे पीछे चले जाए, तो एक तरीका तो ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दिया,
ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक करेंगे अगर, तो सबसे पीछे चले जाएगा। पता नहीं मैंने फर्स्ट क्लास में शायद बताया था, ही नहीं बताया था आपको, लेकिन फिर भी अगर नहीं बताया तो रिपीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हमने इस तरह से नहीं करना तो इसको हम कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ खाली अगर येलो के पीछे जाए तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करके अरेंज सेंड बैकवर्ड करूंगा तो सिर्फ येलो के पीछे चले जाएगा। और अगर सबसे पीछे चला गया था हमारा सेंड टू बैक करने से, और हम चाह रहे हैं कि ब्लू के ऊपर आए, ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको साइड पे करके दिखाऊं आपको, तो ये ब्लू के भी पीछे है। मैं चाह रहा हूँ खाली अगर ब्लू के ऊपर लाना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा तो ब्लू के ऊपर आ जाएगा। अगर तो मैं इसको वापस से पीछे लेकर जाता हूँ कंट्रोल जेड प्रेस करके, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करके सबसे ऊपर अगर लेकर आना है तो अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, इसे सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई शेप बनी हुई है आपकी, यहाँ से भी हम रोटेट करते थे, ठीक है, हम यहाँ से भी अगर करना चाहें ना, अच्छा इस वाले के अंदर और राइट क्लिक करके जो हमें फर्क क्या है कि यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम इसका जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ से लगा के, ठीक है, ऑल्टर प्रेस करके यहाँ पर कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारे पास ये रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने जितनी भी डिग्री पर इसको रोटेट करना है, आपने 45 पर इस तरह से कर करके इसकी डुप्लीकेट्स ले ली, ठीक है, सेंटर पॉइंट इसमें चेंज हो सकता है। जबकि अगर हम ये वाला जो ऑप्शन है राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाकर रोटेट का ऑप्शन जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास सेंटर पॉइंट हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, रोटेट यहाँ से भी हो जाएगा आपके पास, लेकिन यहाँ से हम इसका सेंटर पॉइंट चेंज नहीं कर सकते। इसकी कॉपी ले लें, उसी जगह पे कॉपी आ जाएगी, लेकिन ये टूल काम आने वाला है आपके आगे जाके, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, अच्छा ये टूल, ये सब चीजें हो गई, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अपना वे टूल और इन चीजों पर आ जाते हैं। ठीक है, वे टूल किस तरह से काम करता है, मैं अगर एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है, लाइन लगाने के बाद मैंने इसका स्ट्रोक दे दिया थोड़ा सा, और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से इस तरह से स्ट्रोक आप अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बने बनाए हैं, अगर हमें अपनी मर्जी का बनाना है भाई स्ट्रोक, तो हम क्या किस तरह से बनाएंगे, हमने इसको यूनिफॉर्म पे रखा, ठीक है, और यहाँ पर जाकर हमारे पास है वे टूल। वे टूल किस तरह से काम करता है, हमने क्लिक करके ड्रैग किया, ठीक है, तो देखें इस तरह से ये इसका स्ट्रोक चेंज हो रहा है। यहाँ पर सेकंड क्लिक करके अंदर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग किया तो देखें वेस सा बन गया ये, ठीक है, इसको भी यहाँ से सेट कर लें। इस तरह से आप किसी भी तरह का स्ट्रोक बनाए, और बनाने के बाद आप चाह रहे हैं कि भाई ये मेरा स्ट्रोक बन गया, और बाद में भी अगर मैं कोई लाइन लगाऊं, ठीक है, इसको यहाँ से बस मैं प्रोफाइल के अंदर से सिलेक्ट करूँ उसको और उस तरह का शेप आ जाए, सिंपली क्या करेंगे, ये वाली जो स्ट्रोक है हमारा बना लिया ना हमने, इसको यहाँ पर जाकर हमने एड टू प्रोफाइल्स कर देंगे, ठीक है, और जो भी आपने नाम रखना है वो नाम रखते हैं और ओके कर दें, तो आपके पास यहाँ पर एक ये वाला स्ट्रोक भी ऐड हो जाएगा। अब देखें मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया एक लाइन लगाई, और यहाँ से जाकर मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, अभी पता क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इसका स्ट्रोक कम है, इसको मैंने 50 पॉइंट्स का किया, ये जितना मैं बढ़ाते जाऊंगा, तो देखें एक बार बना के रखा था आपने, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा आपको, और इस तरह से आप इसको अपना स्ट्रोक बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ मैं, और अब इसके आगे के देख लेते हैं हम, इसके अंदर जाकर रैप टूल है, ठीक है, हमने यहाँ से कोई भी शेप ड्रॉ किया, ठीक है, इसको फिल कलर के अंदर कर दिया, और रैप टूल लेते हैं। रैप टूल किस तरह से काम करता है कि ये देखें, क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये रैप कर रहा है, इसको करीब करते जा रहा है, इधर से क्लिक कर रहा हूँ तो इधर इधर से इस तरह से करके खत्म ही हो गया बिल्कुल, ठीक है, इसको अंडू कर रहा हूँ पूरा। और उसके बाद है हमारे पास ट्रेल टूल। ट्रेल टूल किस तरह से काम करता है, ये शेप है, शेप को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ट्रेल टूल कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये इसको ट्रेल कर रहा है, ठीक है, ये करेंगे आपको तो पता लगेगा और मजा भी आएगा इन चीजों को एक्सप्लोर करने के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पकड़ टूल। पकड़ टूल से जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखें जहां पर पॉइंट क्लिक किया है वहां से ये अंदर की तरफ जा रहा है, देखें इस तरह से यहाँ से क्लिक कर दिया तो बिल्कुल सेंटर के अंदर चला गया, जबकि इसके नीचे जो टूल है ब्लो टूल, ब्लो टूल क्या कहता है, जहां पे भी आप क्लिक करेंगे वहां से उसको फैला देगा, बाहर की साइड कर देगा, जैसे मैंने क्लिक किया देखें फैला रहा है ये, इधर से क्लिक किया इधर से फैला दिया, इधर इधर क्लिक किया इधर से फैलाना शुरू कर दिया इसको, तो ब्लो टूल इस तरह से काम करता है। ठीक है, उसके बाद है स्कैलप टूल। स्कैलप टूल से क्या करेंगे, जहां पे भी हम क्लिक कर रहे हैं ना, देखें यहाँ पे क्लिक करके क्लिक किया, फिर स्टार टाइप का या कोई होता है ना स्पाइडर की वेब होती है उस तरह का कुछ, ये देखें बनते जा रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ वो कर रहा है, मतलब स्ट्रेच कर रहा है इसको देखें, और नीचे जो इसके टूल है हमारे पास क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज में क्या होगा, सेम वही काम हो रहा है, लेकिन ये देखिएगा इसमें बाहर की साइड पर होगा, जैसे क्लिक करता हूँ तो ये उस पॉइंट से बाहर की तरफ देखे जा रहा है, ठीक है, वो क्या कह रहा था इससे पहले वाला, इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ उसके अलग पे क्लिक करता हूँ तो अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा है, जबकि क्रिस्टलाइज पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ ट्रैक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर रिंकल टूल। रिंकल टूल किस तरह से काम करता है, देखें ये रिंकल्स रिंकल्स से आ जाएंगे इसके अंदर, शेप के अंदर,
तो ये रिंकल इस तरह से काम करता है। ठीक है, ये सारे टूल्स हो गए, अभी हम देख लेते हैं और कुछ, आज यहीं तक रखते हैं, कल हम करेंगे पूरा शेप बिल्डर, लाइफ पेंट बकेट और लाइफ पेंट सिलेक्शन, फिर उसके बाद हम पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेंगे मे बी, या कुछ और आगे के एक्सप्लोर कर लेंगे चीज़ें, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, पेंट ब्रश ब्लॉक ब्रश कवर कर लिया, स्केल शेयर रीशेप टूल कवर कर लिया, और ये वाले सारे हमने ये टूल्स कवर कर लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I see you.